मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ गुजराती मीडियम 10th स्टैंडर्ड के लिए तो गुजराती मीडियम वाला छोकरा बताओ केम छो। चलो आपणे आजे अंग्रेजीना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करिए छे। तो फर्स्ट चैप्टर एटले यूनिट वन। सो यूनिट वन का नाम है कि पहले प्री टास्क दिया। प्री टास्क यानी सबसे पहले आपको क्या करना है। तो पहले आपणे शू करिए छे, ए टास्क एटले आप्यो छे, रीड अबाउट दशरथ मांझी एंड आंसर द क्वेश्चन। दशरथ मांझी के ऊपर एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको हम पहले पढ़ेंगे और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आंसर्स आपको ढूंढने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए आपणे शुरू करें। दशरथ मांझी रैन अवे फ्रॉम हिज होम एट ए यंग एज एंड वर्क एट धनबाद कोल माइंस। ही रिटर्न टू हिज विलेज, टुक अप वर्क एंड मैरिड फाल्गुनी देवी। दशरथ मांझी रैन अवे फ्रॉम हिज होम, यानी दशरथ मांझी अपने घर से भाग गए थे जब वो बहुत ही यंग एज यानी कि बहुत ही छोटी उम्र के थे। एंड वॉकड एट धनबाद कोल माइंस, और तब वो धनबाद पहुँचे और धनबाद में वो कोयले की माइंस यानी कोल माइंस यानी जहाँ पर कोयला बनता था वहाँ पर वो काम करने लग गए। ही रिटर्न टू हिज विलेज, टुक अप वर्क एंड मैरिड फाल्गुनी देवी। फिर वो अपने गाँव वापस गए और गांव जाने के बाद में उन्होंने फाल्गुनी देवी से शादी कर ली, मतलब फाल्गुनी देवी से अब उनकी शादी हो गई। वाइल क्रॉसिंग गहलोर हिल्स टू ब्रिंग हिम लंच, फाल्गुनी स्लिप्ड एंड सीरियसली इंजर्ड हरसेल्फ। अब एक दौर की बात है कि वो काम किया करते थे और उन्हें खाना पहुंचाने, लंच यानी दोपहर का खाना पहुंचाने के लिए फाल्गुनी जा रही थी। रास्ते में उनका पैर स्लिप हो गया और वो गिर गई और उन सीरियसली इंजर्ड यानी बहुत बुरी तरह से उन्हें चोट लग गई थी। दे कुड नॉट रीच हर टू नियर बाय हॉस्पिटल बिकॉज देयर वॉज नो स्ट्रेट एसेस टू द टाउन एंड विच इवेंचुअली लेड हर टू डेथ। अब वो बहुत बुरी तरह से उन्हें चोट लग चुकी थी, इतनी बुरी तरह से चोट लग चुकी थी कि आसपास में कोई हॉस्पिटल नहीं था कि जहां वो उन्हें ले जाते और बचा पाते। इसलिए सही तरह से हॉस्पिटल ना मिल पाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई यानी उनकी वाइफ अब मर चुकी थी। मांझी वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड एंड दैट वेरी नाइट डिसाइडेड टू कार्व ए पाथ थ्रू द गहलोर हिल्स सो दैट His village could have easier access to medical services. अब उसी दिन मांझी ने अपने आप में ये निर्णय लिया कि वो एक ऐसा रास्ता बनाएंगे, कार्व करेंगे जहाँ से गहलोर हिल से होते हुए उनके गांव से निकलते हुए वो रास्ता आसानी से रोड की तरफ जाएगा और जहाँ से उनको मेडिकल सर्विसेज यानी दवाई इलाज डॉक्टरी इलाज ये सब चीज़ें संभव हो पाएंगी। ही कार्व्ड ए पाथ 360 फीट लॉन्ग 25 फीट डीप इन प्लेसेस एंड 30 फीट वाइड टू फॉर्म अ रोड थ्रू द रॉक्स इन गहलोर हिल। अब उन्होंने एक ऐसा रास्ता बनाया जिसकी लंबाई जो थी वो 360 फीट थी, 25 फीट उसकी डीपनेस यानी गहराई। तो अंदर गहराई में वो 25 फीट था, लंबाई में 360 फीट था और 30 फीट जो है वो ब्रॉड यानी कि वाइडनेस यानी चौड़ा। तो चौड़ाई 30 फीट की थी। अब इतना लंबा चौड़ा रास्ता उन्होंने बनाने के लिए शुरुआत कर दी गहलोर हिल यानी पहाड़ था वो, उस पहाड़ के बीच में से उन्होंने रास्ता बना रहे थे। ही कोटेड व्हेन आई स्टार्टेड हैमरिंग द हिल पीपल कॉल्ड मी अ लुनाटिक बट दैट स्टिल्ड माई डिटर्मिनेशन। उनका कहना है ही कोटेड माने उन्होंने बताया कि जब उन्होंने हैमरिंग यानी हथौड़ी जब मारना शुरू किया पहाड़ में तो लोगों ने उन्हें क्या कहा, लुनाटिक यानी तुम तो पूरे पागल हो, ये पागल इंसान क्या कर पाएगा। लेकिन यही चीज़ ने दैट स्टिल्ड माई डिटर्मिनेशन, लेकिन उस उनकी जो व्यंग था उस व्यंग ने इनको अपने लक्ष्य तक डिटर्मिनेशन तक यानी लक्ष्य तक पहुंचा दिया। ही कम्प्लीटेड द वर्क इन 22 ईयर्स। अब उन्होंने अपने इस कार्य को 22 वर्ष में पूरा किया। 1960 में शुरुआत की थी और 1983 में उनका काम पूरा हो गया। दिस पाथ रिड्यूस्ड द डिस्टेंस बिटवीन द एट्री एंड द वजीरगंज सेक्टर्स ऑफ द गया डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 55 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर। अब ये रास्ता बनने के बाद क्या हुआ, देखिए रिड्यूस द डिस्टेंस यानी इस रास्ते की वजह से एक 55 से लेकर 15 किलोमीटर तक का रास्ता उनके लिए
कम हो गया और लोग जो हैं वो आसानी से इस रास्ते के ज़रिए आत्रे से होकर वजीरगंज और वजीरगंज से गया डिस्ट्रिक्ट तक आसानी से पहुंच जाते थे और उस तक पहुंचने में सिर्फ इनको 55 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक का दूरी तय करना पड़ता था। लेटर मांझी सेड, दो मोस्ट विलेजेस टॉन्टेड मी एट फर्स्ट, देर वेर आर क्वाइट फ्यू हु लेंड मी सपोर्ट लेटर बाई गिविंग मी फूड एंड हेल्पिंग मी बाई माई टूल्स। अब वो बता रहे हैं कि सारे लोग, गांव के सारे लोग ने उनको टोंट मारा था, यानी बहुत सारे व्यंग कसते थे कि ये क्या कर रहा है, पागल है, ऐसा वैसा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, जिन्होंने उनकी मदद की। अब मदद उन्होंने कैसे की, कुछ लोगों ने उनको खाना दिया, कुछ लोगों ने पानी दिया और कुछ लोगों ने उनको टूल्स दिए। टूल्स यानी औजार, जो कि जैसे हथौड़ी, छेना और मिट्टी उठाने के लिए जो फावड़ा, ये सारी चीज़ें कुछ लोगों ने उनको उससे मदद करी। फॉर हिज अचीवमेंट, यानी उनकी अब कामयाबी की बात क्या है, मांझी बिकम पॉपुलरली नोन एज द माउंटेन मैन। जब उनका अचीवमेंट, जब उन्होंने अपने लक्ष्य को पा लिया और उनको पॉपुलरिटी मिल गई और पॉपुलरिटी के बाद में उनको माउंटेन मैन के नाम से जाना गया। हिज नेम वॉज ऑल्सो प्रपोज बाय द बिहार गवर्नमेंट फॉर द पद्मश्री अवार्ड इन 2006। अब उनके नाम को पद्मश्री अवार्ड के लिए नवाजा गया, जो कि बिहार गवर्नमेंट ने उनके नाम को लाया था पद्मश्री अवार्ड के लिए, जो कि 2006 की बात है। When a movie on his life was announced, और तब जाके उनकी जो ज़िंदगी थी, उनकी लाइफ थी, उसके ऊपर एक मूवी बनाई जाने के लिए अनाउंसमेंट हुई कि यानी उनकी निजी ज़िंदगी के ऊपर एक पिक्चर बनाई जाएगी। मांझी वॉज ऑन हिज डेथ बेड, और उस दौर में मांझी जो थे वो अपने मरने के शैया पर थे, यानी उनके मरने के दिन काफ़ी नज़दीक थे। He put his thumb impression on an agreement and gave away. अब वो उस टाइम पे उनको कुछ समझ में नहीं आया, मरने की बिल्कुल कागार पे थे, तो उन्होंने अपना अंगूठा लगा दिया उस चीज़ के ऊपर, एक्सक्लूसिव राइट्स टू मेक अ फिल्म ऑन हिज लाइफ। और वो कोई और ऐसा वैसा कागज़ नहीं था, बल्कि वो यही कागज़ थे कि उनकी निजी ज़िंदगी के ऊपर एक पिक्चर बनाई जाएगी और उसमें उनकी सहमति चाहिए थी, जो कि उन्होंने अंगूठा लगा कर पूरी कर दी। The mountain man was given a state funeral by the government of Bihar. उनके मर जाने के बाद में बिहार सरकार ने उनके funeral, यानी उनके काम क्रिया का जिम्मा उठाया और उनको पूरे राज्य ने सलामी देते हुए और उनका नाम जागरूक रखने का पिक्चर के रूप में निर्णय किया। तो ये हो गई दस वर्ष दशरथ मांझी स्टोरी। तो आ होती तमारी दशरथ मांझी ने निजी लाइफ के भी रीते जियो, जग्यो ने अपनी लाइफ में शू शू करियो, ए बदा आ पेराग्राफ में आ गयो। हमें जो क्वेश्चन आप क्वेश्चन आंसर तमे आ पेराग्राफ में थी ढूंढी ने अँ लखी लेवा। चलो आप आग चलिए पेज नंबर 2 पर।